हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल वंदना फार ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ, तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अब मुझको फोड़ने हैं थोड़े से उपले, क्योंकि गिल्ले निकल ले आए हैं। वैसे तो सूख रहे, लेकिन अंदर से ना थोड़े बहुत गिल्ले से निकल रहे, तो इस वजह से मैं आई हूँ थोड़े से उपले फोड़ने के लिए। भलाई में से छाँट के इस वाली में से मुझे छाँट के जो सूखे सूखे हैं उनको फोड़ कर गिर दूँ। यहाँ से जो धूप निकलेगी तो उसमें सूख जाएंगे। और ये देखो, ये हुई है, अभी धूप निकली हुई है। तो चलो, एक बोरी गुस्से भरने हैं मुझे, तो मैं बोरी लेके आई हूँ ये रखी, और मैं वाली गुस्से फोड़ूँगी। थोड़े से बचे हुए हैं और उसके बाद में गुस्से फोड़ कर चलते हैं नीचे, तो फिर बनाना है खाना। ये वाले फोड़ने हैं मुझको, और सूखे निकलेंगे तो बोरी में भर दूंगी, गिल्ले निकलेंगे यहीं फोड़ कर लगा दूंगी। और ये देखो जी, कुछ ऐसा मौसम बन रहा, ये देखो। तो चलो जी, लग जाते हैं अपने काम पे। तो सबसे पहले ये भी कर लूँ, बोरी सोई हुई है अभी, और पीऊ जाली खेत में अपने डैडी के साथ में, तो ट्रैक्टर लेकर गए हुए हैं अभी गन्ने भरने। तो ये देखिएगा, मैंने काट लिया है कद्दू, इसको हमारे यहाँ पे कद्दू बोलते हैं, पिट्ठा भी। और ये टमाटर और प्याज और मेथी दाना इसमें मैंने डाल दिया है देखो। और अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा, एक चम्मच जीरा, अब डाल दूंगी इसमें प्याज। तो ये डाल दूंगी मैं टमाटर, और इसमें डलेगा हल्दी, नमक, मिर्च, ये डाल दूंगी मैं, और हल्दी, हाँ, अरे दूसरा हल्दी, नमक, अरे वो दूसरा, हाँ दो बार डलेगी हल्दी, हाँ थोड़ी सी, हाँ, फिर जो डालेगा कद्दू, कद्दू, टमाटर पकाने अच्छे से। अब वो देखो, ये देखो जी, जो हमारे मसाले हैं उन्होंने अच्छे से तेल छोड़ दिया है, और मसाले अच्छे से पक गए हैं, और अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। देखो कितने अच्छे से पक गए। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ कद्दू। तो कद्दू मैंने बाल्टी में ही काट लिया था और रोस्ट करके रख लिया है, और अब धीरे धीरे पानी में से निकाल कर डाल दिलाऊँगी कढ़ाई में। तो ये देखिए जी, हमारा जो कद्दू है छुपके ऊपर है तैयार, और अब मैं इसको ढक देती हूँ और चूल्हे को जला दूंगी। देखो चूल्हा बुझ गया, और इसे थाली से यानी परात से ढक कर छोड़ दूंगी, और ये धीमी धीमी आंच में पकता रहेगा। तो तब तक मैं बाकी का काम कर लेती हूँ, तो सब्जी अब बना कर रखूँगी, और फिर बनाऊँगी पूरी पूरी बनाऊँगी बाद में दस गए, क्योंकि पहले झाड़ू पोछा वैसा सारा काम निकाल लूँगी, सब्जी बनती रहेगी। तब तक दूध वगैरह पकाना है मुझे पहले, और फिर ना खाना बनाने का भी टाइम हो जाएगा पापा जी के खाने का, और तब तक खेत वाले भी आ जाएंगे। तो जी ये देखो, ये डाल दिया मैंने चीनी, तो कद्दू हमारा अच्छे से गल गया था। और अब देखो चीनी में ये इतना पानी छोड़ना शुरू कर दिया, तो अब मुझे ये चीनी भी मेल्ट हो जाएगी अच्छे से, घुल जाएगी। तो तब तक पकाना, और ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा, और फिर इसमें मैं मार दूँगी चमचा। तो जब ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा, चमचा भी मारने की ज़रूरत नहीं। और इधर मैंने धुल दिए हैं कपड़े, और उसके बाद में धुलने बर्तन, तो कपड़े निचोड़ के। तो सबसे पहले तार पर डाल देती हूँ। ये पीऊ लग रही पापा के पास खाना खाने, कैसा बनना पीऊ आज? पीऊ ये तो गुस्सा हो रही ये रूसगी से ऊपर खाना था पापा के साथ में।
और बहुत चमकला खाना इन्हें बता दिया पहले। और गौरी को देखो मेरी गोदी में घूम रही चुन्नी ओढ़ के। प्रभु और पापा खा रहे खाना, बाप पापा बाद में ले आएंगे खाना खा गए। तो जी पीहू हो गई थी गुस्सा, तो पीहू पापा जी को ना छत पर ही लेके आने वाली थी। मैंने पीहू को बोला था कि गौरी हो रही और पापा गौरी के पास ही बैठ कर छत पर ही खा लेंगे, लेकिन पापा से जिन्ने पर को ना चढ़ा नहीं जाता, पैर में दर्द होता है, पापा के रोड डली हुई है ना इस वजह से, तो पापा नहीं आ पाए। तो पीहू गुस्सा होकर वहीं रोने लगी। वंदना स्कूल क्यों नहीं जाते आप? अरे फिर और आपका एडमिशन क्यों नहीं करा रहे हैं? फोन में बिजी। हाँ? बताओ भाई, देखो खेत में आए तो फोन देखा था गया पीहू और फिर खेत में चल रहे और मेरे बेटे का एडमिशन नहीं करवा रहे। दो दिन का काम दे रहा और अभी गन्नों का देख लो भाई, पीहू का उल्लू बना रहे और पीहू बहुत उत्सुक हो रही है। मेरी तरह की गुल्लक भरी अभी। अच्छा कहीं के लिए भरी गुल्लक? एडमिशन के लिए। एडमिशन के लिए तो भर दी मैं उसे। अच्छा भाई देखो पीहू को कितनी फिक्र है स्कूल में जाने की, अपने एडमिशन की बहुत फिक्र है। एक साल तो बर्बाद कर दिया पीहू ने, ये जावा नहीं थी कभी छुट्टी मार लेती। तो हमने इसका एडमिशन नहीं कराया था, नहीं ला रहे थे, अब जैसे बिल्कुल जिद लग रही स्कूल जाने की। ड्रेस वरेस टाई बेल्ट जूते वगैरह सब लेकर जब जाएगा तो सारा सामान दिलावांगे। अब जा अपनी आई कार्ड भी मिलेगा। तो भाई दो दिन का गन्नों का काम रह रहा, मील बंद हो जाएगा। देखो फोन में देख रही है बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं और पीहू कह रही है ऐसी ड्रेस लेंगी, जैसे आप स्कूल के होगी ऐसी ड्रेस दिला देंगे आपके डैडी। आपके वहाँ भी तो वाइट है, वाइट ड्रेस, वाइट सूज आवेंगे और ब्लैक सूज। दो दिन के बाद पक्का करवा देंगे। नहीं वहाँ जाएगी, दूसरे वाले स्कूल में जाएगी चीकू से, अच्छे वाले स्कूल में। देखो अपने डैडी की कमर पे बैठ गई और शरारत कर रही, देखो कितनी। और कौन जाग रहेगी? और कौन से मजा आवेगी? अभी तो देख गोरी रेडी हो रही जाने को, देखो गोरी को उसमें ही तो है जुल्ला। जोन से माँ आप जाओगे पापा थे।